पीस ऑफ माइंड का प्रोग्राम था और कॉल ऑफ टाइम का, जिसमें विदेशों से कुछ हमारी बहनें जो हैं अच्छे, जैसे यहाँ विंग्स के प्रोग्राम चलते हैं, जैसे यहाँ से कुछ लोगों को लेके जाते हैं, हम शिविर कराते हैं, ऐसे ही विदेशों से भी वहाँ अच्छे लोगों को लेके आया जाता है, और जो ताकि भारत की वो बात को, यहाँ के दर्श योग को सीख के फिर वो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। तो बताते हैं कि जापान की बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि जापान में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा, और योगेश भाई टर्की से उन्होंने उस भाई को स्पेशल प्रोग्राम के लिए बुलाया। सुन रहे हैं अलका बहन, जापान में प्रोग्राम रखा गया और टर्की से खास भाई को प्रोग्राम के लिए बुलाया गया। तो कितने लोग आए जापान में प्रोग्राम रखा? तो सिर्फ 2 लोग आए प्रोग्राम और टर्की से वो भाई आया वहाँ से प्रोग्राम के लिए। मना देखो कैसे हमारी बहनें, आप मना आप यदि सूक्ष्मता में जाओ, मोटे रूप में नहीं, तो उनकी जीवन में जो सेवा भाव, किस तरह से वो किसी बाबा के ज्ञान से कैसे उनकी भावना है कि हर घर सुखी हो। तो जब तो रजनी बहन वो प्रोग्राम रखा तो सिर्फ 2 लोग आए, और उसमें जो बहन एक आई वो फिर उस प्रोग्राम में जो एक बहन आई थी वो आबू आई, और आबू में वो 7 दिन रुक के वापस जब गई तो उसने 3 प्रोग्राम रखे जिसमें 200-300 लोग आए है ना। तो कहने का भाव ये है कि बाबा कहते हैं कि दिल शिकस्त किसी बात में नहीं होना है ना। कुछ हमारे और भी स्थान होते हैं जहाँ बहनें हमारी, कई बार ऐसा होता है ना वो रिजल्ट नहीं आती है, क्योंकि भावना बड़ी ऊंची होती है। हम सब की भावना क्या होती है कि हर घर स्वर्ग बने ना, हम क्या चाहते हैं? हर आत्मा अपने जीवन को ऊंचा बनाए, श्रेष्ठ बनाए, जो दुख अशांति है उसके जीवन से दूर हो, सुख शांति आए। जो हमने पाया है, कहते ना आज बाबा ने क्या कहा, जो अच्छी चीज मिली है वो दिए बगैर रह नहीं सकते। और भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई एक उस भाव से होता है, ये एक ही भाव होता है कि जो हमने खुशी वो हर एक को मिले, हर घर उस तरह से सुखी बने, हर घर स्वर्ग बने, ये भाव से। तो सफलता असफलता के बीच भी जो एक समय होता है ना, उस चीज को कैसे निकालना होता है। तो बाबा का कार्य किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और मैं कुछ नई आत्माएं भी हैं तो ये प्रेरणा हर एक को लेनी चाहिए, है ना। ये कार्य तो हुआ पड़ा है, उसका कार्य तो हुआ पड़ा है, भगवान के कार्य को कौन रोक सकता है। हम ना भी हों, हम ना भी आते तो ये प्रोग्राम किसी न किसी रूप से होता, तो हम तो निमित्त मात्र हैं, कराने वाला वो है, उसका कार्य है, लेकिन हम अपने जीवन में क्या प्राप्ति कर सकते हैं वो हमें देखना है, और समय बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा।